हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सेव टमाटर की सब्ज़ी। ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है और ये बहुत ही अच्छी लगती है। पराठे, रोटी, चावल किसी के भी साथ खाओ, ये आपको बहुत अच्छी लगती है। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दो टमाटर ले लिए, इनको हम बारीक काट देंगे। हमने बारीक काट लिए हैं। इसमें 3 बड़े चम्मच तेल के डाल लेंगे। दो हरी मिर्च काट के इसमें डाल देंगे। इसमें चुटकी भर हींग डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसका मसाला बनाएंगे। एक बड़ा चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी। अब इसमें 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। इससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी सेव टमाटर की। देखिए, हमारा मसाला हमने अच्छे से घोल लिया है। अब इस मसाले को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। ऐसे पकाने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर काटे थे वो, और इसको इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 मिनट और रहने देंगे। हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 3 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। 2 टमाटर पहले ले लिए थे और 3 अब प्यूरी बना के डाल रहे हैं। इसको भी हम अच्छे से पकने देंगे। 3 से 4 मिनट इसको भी, जब तक ऑयल इसके भी ऊपर नहीं आ जाता। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी सेव। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुकी है। अब हम इसका ढक्कन हटा देते हैं। देखिए, हमारी सेव टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। सब्ज़ी बन चुकी है, हमने डाल लिया। अब हम इसको धनिया से गार्निश कर देंगे अच्छे से। ये बहुत ही अच्छी लगती है पराठे, चपाती, चावल इन सभी के साथ। तो आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना।